नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। अगर आपके मन में ऐसा सवाल था कि हीलियो P60 और स्नैपड्रैगन 665 में से कौन सा प्रोसेसर सबसे बेहतर है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। आज हम देखेंगे हीलियो P60 और स्नैपड्रैगन 665 में से कौन सा बेहतर है। वैसे ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपको तो रूल पता ही होगा, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक दे देना, अगर वीडियो अगर ना पसंद है तो डिसलाइक दे देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है वो क्या है। हीलियो P60 बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर और स्नैपड्रैगन 665 बना है 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो अगर हम प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात करें तो इस मामले में स्नैपड्रैगन 665 बेहतर है, क्योंकि प्रोसेसर आर्किटेक्चर नंबर जितना कम होता है वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है। अगर हम दोनों प्रोसेसर के प्रोसेसर कोर्स और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हीलियो P60 और स्नैपड्रैगन 665 के 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स कोर्टेक्स A73 पर और 4 लो परफॉर्मेंस कोर्स कोर्टेक्स A53 पर बना है। लेकिन हीलियो P60 के सारे कोर्स 2 गीगाहर्ट्ज पर रन करता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 665 के जो हाई परफॉर्मेंस कोर वो रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज पर, लेकिन लो परफॉर्मेंस कोर रन करता है 1.8 गीगाहर्ट्ज पर। तो प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी के मामले में हीलियो P60 जीत जाता है। तो अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर में कितना ज्यादा डिस्प्ले सपोर्ट करेगा, ये पर कितना अच्छा हम वीडियो प्लेबैक देख सकेंगे, ये पर दोनों प्रोसेसर का जो कनेक्टिविटी है वो क्या है। अब देख सकते दोनों ही प्रोसेसर में फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले सपोर्ट करेगा, लेकिन जिस मामले में हीलियो P60 बहुत पीछे है वो है डाउनलोड स्पीड। इसमें बस कैट 7 डाउनलोड स्पीड है जिसका स्पीड है 300 Mbps, लेकिन स्नैपड्रैगन 665 में यही डाउनलोड स्पीड है 600 Mbps। दोनों का अपलोड बिल्कुल सेम है। और एक चीज में बहुत ही ज्यादा फर्क है, स्नैपड्रैगन 665 में 4K अल्ट्रा HD 120 fps तक वीडियो एनकोड और डिकोड कर सकते हैं, लेकिन हीलियो P60 में बस फुल HD 30 fps में वीडियो एनकोड और डिकोड कर सकते हैं। तो इस मामले में स्नैपड्रैगन 665 बेहतर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर के कैमरा कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। तो हीलियो P60 में अगर सिंगल कैमरा यूज किया जाए तो इसमें 32 मेगापिक्सल तक, इसमें कोई भी 48 या फिर 64 मेगापिक्सल का सपोर्ट नहीं है, लेकिन स्नैपड्रैगन 665 में सिंगल में 25 मेगापिक्सल लेकिन 48 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करेगा क्वाड बेयर टेक्नोलॉजी की मदद से। अगर हम डुअल कैमरा की बात करें दोनों में डुअल कैमरा कैपेबिलिटी लगभग सेम है, लेकिन अब मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें देख सकते हैं 8000 या फिर 9000 के फोन में भी 48 मेगापिक्सल वाला वो सेंसर आ रहा है। तो इसका मतलब फ्यूचर के स्मार्टफोन में हमें हो सकता है हीलियो P60R बिल्कुल भी ना दिखे, लेकिन फ्यूचर के बहुत सारे स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 665 जरूर दिखेगा। तो कैमरा कॉम्पेटिबिलिटी के मामले में स्नैपड्रैगन 665 बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर के रैम कॉन्फ़िगरेशन। तो देख सकते हैं दोनों ही प्रोसेसर डुअल चैनल रैम सपोर्ट करता है और दोनों का ही फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है। हीलियो P60 काम करता है 1800 MHz और स्नैपड्रैगन 665 काम करता है 1866 MHz, मतलब लगभग सेम। लेकिन अगर आप एक विनर को चूज करना चाहते हैं तो वो है स्नैपड्रैगन 665। तो दो प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन करने का सबसे मेन चीज है AnTuTu बेंचमार्क और Geekbench स्कोर। अब देख सकते हैं AnTuTu वर्जन 7 में हीलियो P60 का स्कोर है 131,000 के आसपास। वैसे ये जो स्कोर है ये आके Realme 3i का स्कोर है, और स्नैपड्रैगन 665 का AnTuTu वर्जन 7 में स्कोर है 138,000 के आसपास, जो कि Mi A3 का स्कोर है। तो AnTuTu बेंचमार्क स्कोर में स्नैपड्रैगन 665 बेटर है। अब हम देखते हैं स्नैपड्रैगन 665 और हीलियो P60 के Geekbench स्कोर। तो देख सकते हैं सिंगल कोर में हीलियो P60 1400 और स्नैपड्रैगन 665 1500, मतलब सिंगल कोर में स्नैपड्रैगन 665 बेटर, और मल्टी स्कोर में भी हीलियो P60 4900 और स्नैपड्रैगन 665 5600 के आसपास। तो सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों में स्नैपड्रैगन 665 बेटर है, और ये जो मैं स्कोर दिखा रहा हूँ ये आके Realme 3i और Mi A3 का स्कोर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का एक मेन चीज जो कि GPU, क्योंकि आजकल के प्रोसेसर में GPU का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। अब देख सकते हैं हीलियो P60 इसका GPU है G72 MP3 GPU, जो कि एक 16 नैनोमीटर प्रोसेसर है, और स्नैपड्रैगन 665 का जो GPU वो है Adreno 16, जो कि एक 11 नैनोमीटर प्रोसेसर है। अगर हम दोनों प्रोसेसर के GPU बेंचमार्क और GPU गेम बेंचमार्क की बात करें तो देख सकते हैं दोनों का परसेंटेज, मतलब दोनों का स्कोर लगभग सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्नैपड्रैगन 665 का चूज किया है, क्योंकि प्रोसेसर के जैसे GPU में भी GPU आर्किटेक्चर होता है, और ये आर्किटेक्चर जितना कम होगा गेम खेलने के बाद आपका स्मार्टफोन उतना ही कम पावर खींचेगा, उतना ही कम गर्म होगा। और एक और चीज, आजकल के दिन में सभी लोग PUBG तो खेलता ही है,
तो अगर हम PUBG गेम प्ले की बात करें तो दोनों प्रोसेसर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। Snapdragon 665 बस बैलेंस मोड और मीडियम फ्रेम रेट के साथ आप खेल सकते हैं, लेकिन Helio P65 में आप HD मोड और हाई फ्रेम रेट के साथ खेल सकते हैं। मतलब अभी के मामले में अगर बेस मोड की बात करें तो PUBG खेलने के लिए तो P60 बेहतर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि Snapdragon 665 में आप HDR मोड पे वो भी एक्सट्रीम फ्रेम रेट के साथ भी खेल सकेंगे और कोई भी हैंग लैग नहीं होता। मैं खुद ऐसा करता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक GFX टूल चाहिए। कैसे आपके स्मार्टफोन के ग्राफिक्स परफॉर्मेंस को एक्सट्रीम किया जाए उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूं तो दोनों प्रोसेसर लगभग सेम है, जैसे एक दूसरे का भाई भाई है, लेकिन Snapdragon 665 Helio P60 से थोड़ा सा बेहतर है। तो आज का वीडियो यही था, उम्मीद आज का वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।